आईपीएल सीजन 13 का 41वां मुकाबला मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में खेला जा रहा है, जहां पर सीएसके की टीम काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही है और आज लगभग मुंबई की टीम जो है वो जीत की कगार पर नजर आ रही है। एक बार फिर आज चेन्नई के बल्लेबाजों ने और चेन्नई के कप्तान ने लेट डाउन किया और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सीएसके का सफर अब इस आईपीएल के लिए अब खत्म हो चुका है। लेकिन क्या जबरदस्त प्रदर्शन किया है आज मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों ने, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सीएसके की टीम को आज बैकफुट पर डाला है और एक जबरदस्त बल्लेबाजी यहाँ पर जो उम्मीद थी वो नहीं कर पाई सीएसके की टीम, लेकिन मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों ने अपना पूरा काम किया और आज दिखा दिया कि क्यों मुंबई इंडियंस के गेंदबाज दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से एक है। लेकिन मैच से पहले कुछ ऐसा देखने को मिला जो काफ़ी हैरान कर देने वाला था। दरअसल एमएस धोनी, हार्दिक पांड्या और दीपक चहर जमकर मस्ती करते नजर आए और पिच पे जमकर मजाक करते नजर आए। टॉस जब होने वाला था तब ये पता लगा कि आज रोहित शर्मा नहीं खेल रहे हैं और कैरन पोलार्ड कप्तान है, लेकिन धोनी और हार्दिक की जो बॉन्डिंग है वो सबने देखी है, लेकिन हार्दिक और धोनी की बॉन्डिंग ये किसी ने नहीं देखी होगी। दोनों एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते नजर आए, दोनों एक दूसरे के साथ ये भी करते नजर आए कि नहीं भाई आज जो है मुकाबला भले टक्कर का हो लेकिन हम एक दूसरे के साथ हैं। और यही वजह है कि धोनी और हार्दिक को दुनिया के सबसे खतरनाक खिलाड़ियों में से एक गिना जाता है। धोनी को हार्दिक की ज़रूरत थी और हार्दिक को उभारने वाले भी धोनी थे, तो हार्दिक भी जानते हैं कि उनके गुरु जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हैं और यही वजह है कि दोनों काफ़ी ज़्यादा डेंजरस माने जाते हैं। लेकिन ऐसा मजाक लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। दोनों पिच पर बातें कर रहे थे कि भैया किस तरीके से मैदान पर खेलना है और कैसे प्रदर्शन करना है। यही वजह है कि एमएस धोनी की दुनिया इज्जत करती है, यही वजह है कि धोनी की महानता की दुनिया कस्में खाती है। भले ही आज चेन्नई हारे या जीते लेकिन धोनी और हार्दिक के दृश्य लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहे हैं। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।